नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे टाटा मोटर्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं, शेयर आज 317 पे यहाँ ट्रेड कर रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें इस शेयर के लिए, वो ये है कि शेयर ने जो लॉन्ग टाइम के लिए शेयर के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 313 का, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस 313 का, इस रेजिस्टेंस को शेयर ने पार कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर शेयर जो आज क्लोजिंग हुई है शेयर की, वो 313 से यहाँ पर ऊपर हुई है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है शेयर के लिए कि शेयर का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद शेयर अभी भी उसी का सपोर्ट ले रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है अभी शेयर के लिए, वो है 313। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर के लिए आने वाले टाइम में जो रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, वो सबसे पहला रेजिस्टेंस है अराउंड 326। और उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 की, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस शेयर फेस करने वाला है, वो अराउंड 358। तो रेजिस्टेंस में दो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहाँ पे शेयर के लिए है वो रहने वाला है अप्रोक्सीमेट 313, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपको शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप आने वाले टाइम में इसको फॉलो कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये शेयर यदि 326 को पार करता है, तो और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप इनको कंटिन्यू ट्रेक कर सकते हैं। शेयर को खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।